गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे स्टार्ट क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नाउ फर्स्ट व्हाट यू मीन बाय स्क्वायर। बेसिकली आपने यहां से देखी होगी स्क्वायर मींस ऑल साइड आर इक्वल। क्या कहता है स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है। और स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं इफ टू हमें टू का स्क्वायर करना है टू के पावर टू तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं टू इंटू टू फोर मीन्स नंबर के अपने ही उससे मल्टीप्लाई क्या कराता होगा स्क्वायर कराता है। देखो यहाँ पे वन से लेके टेन तक एक है तो स्क्वायर है वन का स्क्वायर वन है टू का फोर है थ्री का 9 है 4 का 16 है 5 का 25 है। मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 आपको 4 करना है 3 इंटू 3 9 करना है 4 इंटू 4 16 करना है 5 इंटू 5 25 6 इंटू 6 36 7 इंटू 7 49 8 इंटू 8 64 9 इंटू 9 81 and 10 into 10 100। तो ये आपका क्या होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टीज आती है आपकी एक है यूनिट प्लेस। इफ वी हैव नंबर ऑफ 24 हमारे पास क्या है नंबर है 24 तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। आपने यूनिट प्लेस पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट प्लेस टेंस हंड्रेड क्लास 6 या 7 5 उस क्लास में क्या होता है यूज होता है यूनिट प्लेस मींस 10 100 तो 24 का यूनिट प्लेस क्या है 4। अब अगर हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 कितना होता है 16 और 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6 है तो इसलिए 24 का यूनिट प्लेस क्या होगा आपका 6 होगा। अदर नंबर ले लेते हैं अदर नंबर 64 आपका एक नंबर है तो 64 का यूनिट प्लेस क्या होगा 4। और अगर हमें फर्स्ट यूनिट प्लेस का 4 है अगर इसका यूनिट प्लेस में क्या करना है फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे रफ में हमें क्या करना है 4 इंटू 4 16 तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस फर्स्ट एलिमेंट 6 64 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है कुछ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं जैसे आपका क्या है 9 9 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर मींस 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है जिसका क्या हो जैसे 9 16 4 6 5 क्या है परफेक्ट स्क्वायर जैसे आपका क्या होगा 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। अब आपने चेक करना है जिन अगर जिन डिजिट के यूनिट प्लेस में ये नंबर होती है 1 4 9 6 5 0 जिन यूनिट प्लेस के डिजिट में ये नंबर फर्स्ट में होती है ये तो वो नंबर आपकी क्या रहती है परफेक्ट स्क्वायर रहती है। प्लीज पॉज द फिगर एंड राइट डाउन योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो आपका 6.1 एक्सरसाइज है उसमें आपका क्या हो जाएगा कि रेडी हो जाएगा स्क्वायर एंड यूनिट प्लेस उससे बेसिस उसमें क्या है क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। एक है एक पॉइंट आता है इसमें फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर में हम स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं फाइंडिंग स्क्वायर। इफ हमें 42
42 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला या आइडेंटिटी आप कह सकते हैं, फॉर्मूला यूज होता है। देखो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर हम 42 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मींस 42 का स्क्वायर। इसमें एक आइडेंटिटी आती है a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह फॉर्मूला अप्लाई करने पर प्रोसीड, देखो 40 इज a, 2 इज b, पुट द वैल्यू फॉर्मूला a स्क्वायर 40 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ए क्या है 40 है, इंटू बी, बी क्या है 2 है। देखो 40 प्लस 2 स्क्वायर यहाँ किसके इक्वल है, इस फॉर्मूले के इक्वल है। तो यह फॉर्मूला जब इसके इक्वल है तो हमें फॉर्मूला वैल्यू क्या करनी है, डायरेक्ट प्रूव करनी है। देखो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 4 से 16, 2 टाइम आप क्या करो 0 ऐड करो, प्लस 2 का स्क्वायर आपका क्या देगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, 82 जा 160। यहां पे देखो ऐड नंबर्स आप ऐड हैं, हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो जो हमारा आंसर होगा 61 60 70 70 64। तो आप पे कोई भी डिजिट आएगा तो आप इस फॉर्म में उसको कर सकते हैं, लिख सकते हो, अदर देन आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो। और हमारा क्या जगह 42 का स्क्वायर इतना हमें मिल जाएगा। एक मेथड हमारे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने एचसीएफ करे होंगे प्रीवियस क्लास में। एक प्रीवियस क्लास में आपने एचसीएफ एलसीएम करे होंगे, एक मेथड है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, FTORIGATIO प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट। इस मेथड से क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट। आपके पास टॉपिक क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर में आपको फाइंड करा दिया था, नेक्स्ट स्क्वायर रूट हमें कैसे फाइंड करना है। देखो स्क्वायर रूट में हमारे पास बड़ी डिजिट भी हो सकती है, छोटी डिजिट भी हो सकती है। मैं एक डिजिट दे रहा हूँ 729, 729 आपका क्या है डिजिट है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और स्क्वायर रूट को बेसिकली इस साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट। यहाँ जो बॉक्स के अंदर साइन है ये क्या है, स्क्वायर रूट। चेक करते हैं आप, देखो एचसीएफ करने के लिए हम पे क्या हो, देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट तो हमें कॉमन मीन्स मिनिमम डिजिट से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन हम चेक कर सकते हैं 9 2 11 और 7 18। तो देखो 18 में 3 का 2 का भी जाता है, बट लास्ट में क्या है 9 है, 9 क्या है आपका ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे 3 से कर सकते हैं, 3 2 6 1 3 4 12 and 3 3 9। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी ऑड नंबर 3 है, जिसमें हमको 3 का ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 3 8 24, 3 1 3, 81 भी आपका क्या है ऑड नंबर है, फिर से आप 3 का कर सकते हो, 3 2 6 3 2 6
27 के ऑड नंबर है, फिर से इसे 3 का क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमें अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, देखो हमें क्या मिला, 3 × 3 × 3 6 टाइम, 3 × 3 × 3। तो इसमें क्या करते हैं, हमें पेयर बनाने होते हैं, ये आपका पेयर है। अब इन पेयर से हमने क्या क्या करना है, एक एक डिजिट लेनी है, क्योंकि पेयर क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है, मींस इन्हें कह सकते हैं आप लीनियर पेयर। इन पेयर को क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। देखो 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 3 तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27 मींस आपका 729 का स्क्वायर रूट क्या है, 27। तो यहाँ क्या था, एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो था, आई होप आप समझते होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिख देना है।
4 का यूनिट 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6 है तो इसका यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 7 × 7 49 का क्या है 9 आ जाएगा। ये एलिमेंट लेना हमने, ये एलिमेंट लेना है यहां से 8। अब यहां पे आप क्या कर लोगे 8 × 8 64 का यूनिट प्लेस क्या है 4 है तो ये 4 हो जाएगा। 0 देखो 0 का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा 0 के ही इक्वल होगा और यूनिट प्लेस में क्या आएगा 0 आएगा। 9 का है 6 द फर्स्ट एट 6 × 6 36 और 36 का यूनिट प्लेस क्या है 6 है। 5 × 5 25 का यूनिट प्लेस क्या है 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
यहाँ भी आपका परफेक्ट स्टार्टिंग होगा और 50 इसके इंग्लिश में क्या है 0 है, यहाँ भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 0। तो अगर क्वेश्चन में अगर दिया होगा गिव अ रीजन, तो आपको क्या करना है रीजन भी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, विच ऑफ ऑड नंबर आपने फाइंड करने की कौन से ऑड नंबर हैं। देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट आप क्या करोगे ऑड नंबर, ऑड नंबर वो होते हैं जिनमें टू जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, दो से कौन सा डिवाइड नहीं होगा, एक तो वन डिवाइड नहीं होगा, थ्री डिवाइड नहीं होगा, फाइव डिवाइड नहीं होगा, टू भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आता है वन आता है, नहीं टू आपका डिवाइड होगा, वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन इलेवन आगे इन्फिनिटी तक है। अब हमें चेक करना है इवन नंबर क्या होते हैं आपके जिनमें जो टू से क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, टू फोर सिक्स एट टेन जीरो है ट्वेल्व है, जीरो यहाँ पे कितना नीचे टेन है ट्वेल्व है फोर्टीन है, ये आपके क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। तो हमें चेक करना था फर्स्ट है आपका 431, सेकंड आपका 2826, थर्ड आपका 77779, फोर्थ आपका 82004। आपने चेक करना है इसमें से कौन ऑड नंबर है एंड कौन इवन नंबर है। तो देखो आप यहां से चेक कर सकते हो, इसके इसमें क्या है लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में क्या है वन है, तो ये आपको क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा बिकॉज यहां टू से डिवाइड नहीं है, इसमें सिक्स है सिक्स टू से डिवाइड है तो यहां आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। देखो नाइन नाइन आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा क्योंकि 9 भी क्या है 2 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट है 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ओवर हो गया था। नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब इसमें क्या है रीजनिंग, जनरल रीजनिंग टाइप के क्या है क्वेश्चन है, आपने एक कुछ पैटर्न आपको दिए होंगे, आपने उनका क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है एंड आफ्टर दैट जो मिसिंग नंबर किसी भी पॉइंट दिया होगा वो आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन यही लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्व शॉर्टकट में लिख देता हूं, ऑब्जर्व फॉलोइंग ऑब्जर्व पैटर्न एंड राइट मिसिंग नंबर, राइट मिसिंग नंबर। देखो फर्स्ट आपका 11 स्क्वायर इंटू 21 गिवन दैट है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका 101 स्क्वायर 10201 ये भी गिवन दैट है, थर्ड आपका 100
वन स्क्वायर, तो 1002 001 ये भी गिवन दैट है। फोर्थ है आपका 100001 स्क्वायर करोगे आप तो आपके बुक में इसका कुछ इस तरीके से दिया होगा 1.2.1। देखो आपने क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। 11 का स्क्वायर क्या है 121, इसके ग्रेटर देन 1 है, इसके भी 1 है। 101 का स्क्वायर क्या है 10201, पैटर्न देखो फर्स्ट में हमने कहा 121 भी यहां पे है, 121 भी यहां पे है, 121 भी यहां पे है। तो आपने अब क्या करना है, 0 0 इसमें एक एक जीरो है, इसमें दो दो जीरो आ गई तो इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा होगी, इसमें एक और जीरो एक्स्ट्रा होगी तो इसमें क्या होगा, मींस इन डिजिट के बिटवीन क्या आएगी, 4 जीरो आएगी, 1 2 3 4। फिफ्थ पार्ट है आपका 1 4 5 6 स्क्वायर, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, सॉरी यहाँ पे 1, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। और आपके बुक में किस तरीके से याद दिया गया, 1 2 1, तो वही पैटर्न फॉलो होगा। देखो यहाँ पे जीरो नहीं थी, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दो जीरो है, यहाँ पे तीन जीरो है, यहाँ पे चार जीरो है, यहाँ पे छह जीरो देखती है। तो आपने यही पैटर्न फॉलो करके देखना है, दो जीरो है इनके बिटवीन भी, दो जीरो आएगी इनके बिटवीन भी, दो जीरो आएगा, तो यहाँ पे छह जीरो है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पैटर्न फॉलो करके आपने क्या करने हैं, सॉल्यूशन करने हैं। तो आपका जो 6.1 एक्सरसाइज है इसमें इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आपने अपने से करने हैं डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 6 डू योर सेल्फ एंड क्वेश्चन नंबर 7 8 मीन्स उसमें एक जनरल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से पैटर्न दिया होगा और उनका आंसर होगा। लेकिन जो थर्ड फोर्थ जिसमें क्या करने आपने फिल करने हैं वो आपको एगो दे के करने हैं, मीन्स जो ऊपर का पैटर्न दिया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।